हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और नए रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके साथ बैगन का एकदम न्यू रेसिपी शेयर करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाने में। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज की रेसिपी का शुरुआत करने के लिए हमने यहाँ पे 5 ठो बैगन लिया है और हमें इसका ऊपर का जो छिलका है उसे हमें निकाल देना है। फ्रेंड, आज का जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, हमें बैगन को पहले ऊपर का छिलका जो है उसे हमें निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने सभी बैगन का छिलका जो है अच्छे से उतार दिया है। अब चलिए हम इसे वॉश कर लेते हैं पानी में। फ्रेंड, एक एक बैगन को हमें अच्छे से धुलाई करके हमें ट्रे में रखना है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने बैगन को अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हमें इसको कट करना है बैगन को। फ्रेंड, अब हमें 1 ठो बैगन लेना है और हमें इससे बीच से कट करना है इस तरह से। फ्रेंड, आप अपना बैगन को हमेशा चेक कर ले कि ये ख़राब है कि नहीं, क्योंकि इसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो काटने के वक्त इसको चेक कर लेना ज़रूरी है। अब हमें इसे ऐसे कट करना है और फिर से हमें चेक कर लेना है कि बैगन तो हमारा सही है ना। तो इसी तरह से हमें कट करना है पूरा बैगन को पतला पतला। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से बैगन को पतला पतला कट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने बैगन को अच्छे से कट कर लिया है और हमने चेक कर लिया है, एकदम प्रॉपर है, इसमें थोड़ा सा भी ख़राब नहीं है बैगन। हमें सभी बैगन को इसी तरह से कट कर लेना है। तो चलिए हम कट करके रेडी कर लेते हैं। ये फ्रेंड, यहाँ पे हमने बैगन को अच्छे से कट कर लिया है। अब चलिए इसे हम थोड़ा सा धुलाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बॉल लिया है और इसमें हमें 1 कप बेसन ऐड करना है। जितना हमने बेसन ऐड किया है उतना ही हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। अब हमें ऐड करना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है और हमें इसका घोल बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने घोल तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करना है धनिया पत्ता और इसे हमें अच्छे से एक बार और मिला देना है। फ्रेंड, घोल को हमें ज़्यादा ना मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला करना है, हमें नॉर्मल घोल बनाना है। तो यहाँ पे घोल जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड, यहाँ पे हमने थोड़े से ब्रेड का में ग्राइंड करके चूरा बना लिया है। अब जो बैगन हमने कट करके रखा था उसे हमें बेसन का घोल में ऐड करना है अच्छे से, ऐसे फ्रेंड, ताकि इसका अंदर तक अच्छे से घोल चला जाए। ये देखिए फ्रेंड, इसका अंदर में अच्छे से घोल चला गया है। अब हमें बैगन को इसमें लगा देना है ब्रेड का चूरा में। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से हम बैगन में चूरा लगा दिया है। अब चलिए हम इसको अब फ्राई करते हैं। फ्रेंड, बैगन फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल को पहले से ही मीडियम गरम में रखा था। अब हम बैगन को ऐड करेंगे और इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी इसको फ्राई कर लेना है। फ्रेंड, इसको हमें पलट लेना है और इसको हमें दूसरे साइड भी अच्छे से पका देना है। फ्रेंड, इसको पकने में मिनिमम 1 मिनट का समय लगेगा। आप इस तरह से बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी है ये रेसिपी। फ्रेंड, अगर आपको ब्रेड का चूरा नहीं लगाना है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है हमारा बैगन भाजा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बैगन हमारा जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बैगन फ्राई कितना क्रिस्पी बना है। तो इसी तरह से हमें और भी फ्राई कर लेना है बैगन को। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है बैगन का अच्छे से हमने फ्राई करके बना लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है हमारा नाश्ता। आप इस तरह से बना के एक बार घर में अपने ज़रूर ट्राई कीजिए।
यह बनाने में तो फ्रेंड बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो आप घर में अपना जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।